इधर सिक्किम हादसे में यूपी के 4 जवानों की मौत हो गई। लखनऊ के जवान चरण सिंह की मौत हो गई है। एटा के जवान भी इसमें शामिल है, भूपेंद्र सिंह, उनकी भी मौत हो गई। उन्नाव के श्याम सिंह यादव और मुजफ्फरनगर के जवान लोकेश कुमार भी, उनकी मौत हो गई। ये 4 जवान थे जो कि कल जो सिक्किम में हादसा हुआ उसमें शामिल थे। आपको बता दें कि कल सिक्किम में जवानों से भरा जो ट्रक था वो अचानक से खाई में गिर गया, जिसमें 16 जवानों की मौत हो गई। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 4 जवान भी इसमें शामिल थे। सिक्किम में हुए हादसे में ललितपुर के जवान की मौत हो गई। साल 2004 में आर्मी में भर्ती हुए थे चरण सिंह। पैतरा गांव सोजना में शोक की लहर है। हादसे में सेना के 16 जवानों की मौत हुई थी, जिसमें ललितपुर का जवान भी शामिल था। ललितपुर का जवान बताया जा रहा है जो कि साल 2004 में आर्मी में भर्ती हुए थे, और उसके बाद कल जो हादसा हुआ सिक्किम में उसमें इनकी भी जान चली गई। पैतरा गांव सोजना में शोक की लहर देखी जा रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और बात उन्नाव की। उन्नाव में सिक्किम में हुए हादसे में उन्नाव का जवान शहीद नायक श्याम सिंह हादसे में शहीद हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि ककरारी गुलरीहा गांव के रहने वाले थे शहीद श्याम सिंह। बीते दिनों 15 दिन की छुट्टी पर गांव आए थे और वापस ड्यूटी पर लौटे थे। 8 दिसंबर को छुट्टी खत्म होने के बाद दोपहरा सिक्किम पहुंचे थे। कल जो हादसा हुआ उसमें जो जवान थे वो भी शहीद हो गए। ककरारी गुलहीरा गांव के रहने वाले थे शहीद श्याम सिंह, जो कि कल हुए हादसे में शहीद हो गए। 16 जवान थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई और उसमें उन्नाव का लाल भी शामिल था। नायक श्याम सिंह हादसे में शहीद हुए थे। बताया जा रहा है कि 15 दिन की छुट्टी पर अपने घर ये आए थे और 8 दिसंबर को वापस ड्यूटी उन्होंने ज्वाइन की थी, और कल जो ये हादसा हुआ इसमें उनकी भी जान चली गई। तो सिक्किम में कल जवानों से भरी जो ये ट्रक था ये अचानक से पलट गया, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई थी। तो सिक्किम में शुक्रवार को हुए हादसे में 16 जवानों में मुजफ्फरनगर का 28 वर्षीय लाल लोकेश कुमार सहरावत भी शहीद हो गया। भोपा थाने के यूसुफपुर गांव के रहने वाले किसान उदयवीर सहरावत का पुत्र शहीद जवान लोकेश कुमार सहरावत 2012 में सेना में स्पोर्ट कोटे से भर्ती हुआ था। 2 साल पहले खतौली थाना इलाके में उनकी शादी हुई थी, लेकिन सिक्किम में ड्यूटी के दौरान मुजफ्फरनगर का लाल लोकेश कुमार 16 जवानों के साथ सेना ट्रक हादसे में शहीद हो गया। लोकेश कुमार के शहीद होने की जानकारी परिवार को मिली तो उसके बाद परिवार और पूरे गांव में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शहीद जवान लोकेश कुमार सहरावत का पार्थिव शरीर उनके पैतरा गांव यूसुफपुर आज देर शाम तक पहुंचेगा, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार गांव में ही किया जाएगा। परिवार का लड़का था, हमारे परिवार है, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा चरित्र था। 2012 का भर्ती था आर्मी में, स्पोर्ट कोटे से भर्ती था ये। बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत। ये गाड़ी जो खाई में पलटी है उसमें सूचना मिली थी, हेडक्वार्टर से सूचना आई थी कि अभी एडमिट है, अभी और अभी पता नहीं लग पा रहा अभी। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।